sa pa da sa pa da sa pa da sa pa da sa ga sa da 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 re ga ma 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 pa da ma pa ga ma re ga re sa yesu ki vaani jeevan jyoti yesu ki vaani atma shakti yesu ki vaani jeevan jyoti येसु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता येसु की वाणी येसु की वाणी आत्मा शक्ति येसु की वाणी जीवन ज्योति येसु की वाणी आत्मा शक्ति पहला पाठ सैमुएल का दूसरा ग्रंथ। तुम ही मेरी प्रजा इज़राइल के चरवाहा बन जाओगे। अध्याय 5 पद संख्या 1-7-10। इज़राइल के सभी वंशों में हेब्रोन में दाऊद के पास आकर कहा, देखिए हम आपके रक्त भाई हैं। पहले भी जब साउल हम पर राज्य करते थे आप ही इसराइलियों को युद्ध के लिए ले जाते और वापस लाते थे। प्रभु ने आपसे कहा है, तुम ही मेरी प्रजा इसराइल के चरवाहा इसराइल के शासक बन जाओगे। इसराइल के सभी नेता हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने हेब्रोन में प्रभु के सामने उनके साथ समझौता कर लिया और उन्होंने दाऊद का इसराइल के राजा के रूप में अभिषेक किया। जब दाऊद राजा बना तो उसकी उम्र 30 वर्ष की थी और वह 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने हेब्रोन में 7.5 वर्ष तक यूदा पर राज्य किया और यरूशलेम में 33 वर्ष तक समस्त इसराइल और यूदा पर राज्य किया। राजा ने अपने सैनिकों के साथ यरूशलेम जाकर यबूसियों पर जो वहां के निवासी थे आक्रमण किया। उन्होंने दाऊद से कहा, तुम यहां प्रवेश नहीं करोगे, अंधे और लंगड़े ही तुमको भगा देंगे। कहने का अभिप्राय यह था कि दाऊद यहां कभी प्रवेश नहीं कर सकेगा, किंतु दाऊद ने सियोन के किले पर अधिकार कर लिया और उसका नाम दाऊद नगर रखा। दाऊद की शक्ति निरंतर बढ़ती गई और प्रभु विश्व मंडल का ईश्वर उसका साथ देता रहा। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्य। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। शैतान का सर्वनाश हो गया है। यरूशलम से आए हुए शास्त्री कहते थे उसे बेलजबुल सिद्ध है और वह नरक दूतों के नायक की सहायता से नरक दूतों को निकालता है। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर यह दृष्टांत सुनाया। शैतान शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ गई हो तो वह राज्य टिक नहीं सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ गई हो तो वह घर टिक नहीं सकता। और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसके यहां फूट पड़ गई हो
तो वह टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया है। कोई किसी बलवान के घर में घुसकर उसका सामान तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि वह उस बलवान को ना बांध ले। इसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईश निंदा करे, उन्हें सबकी क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। वह अनंत पाप का भागी है। उन्होंने यह इसीलिए कहा कि कुछ लोग कहते थे उसे अपदूत सिद्ध हैं। प्रभु का सुसमाचार है, हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा मेरे विश्वास को, मेरे विश्वास दृढ़ कीजिए, दृढ़ कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हमें भर दीजिए, हमें भर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, तिमोथी का दूसरा पत्र, तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय एक अध्याय एक पद संख्या दस, पद संख्या दस। हमारे मुक्तिदाता, हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने, और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया, मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा, और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को, अमर जीवन को आलोकित किया है, आलोकित किया है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन पर, मैं इस वचन पर विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के वचन में हमने सुना कि शास्त्री और फरीजी यीशु के भले कामों को देखकर उन पर अभियोग लगाने के लिए सदा तैयार रहते थे। वह उन पर हर प्रकार के अभियोग लगाते, ईश निंदा का अभियोग। कभी उन्हें कहते कि ये पियक्कड़ है, ये पापियों का मित्र है, उनके साथ उठता बैठता है, तो कभी ये कहते कि इसे अपदूत सिद्ध है, अर्थात ये बेल्जेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता है। वास्तव में दुनिया की यही हकीकत रही है। ये दुनिया की हकीकत ये रही है कि इंसान हिंसा से हिंसा को मिटाना चाहता है। जब दो व्यक्तियों में मनमुटाव हो जाते हैं और जब यह विवाद बढ़ने लगता है, तो वो एक दूसरे को हिंसा के साथ सबक सिखाना चाहते हैं। कोई भी प्यार के साथ एक दूसरे को सहन करना नहीं चाहता है। तो जब लोग यीशु से ये कहने लगे कि उसे बेल्जेबुल सिद्ध है और ये नरक दूतों के नायक की सहायता से नरक दूतों को निकालता है, तब यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा कि क्या शैतान शैतान को निकाल सकता है? नहीं, वो केवल युद्ध कर सकता है, एक दूसरे का विनाश कर सकता है, लेकिन वो निकाल नहीं सकता। वो अपने ही राज्य में कैसे अपने ही लोगों के खिलाफ विद्रोह कर सकता है? प्रभु ने समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर राज्य में फूट पड़ गई हो तो वह राज्य टिक नहीं सकता। अभी शैतान के राज्य की ही अगर फूट पड़ जाए तो वह टिक नहीं सकता, और वास्तव में ऐसा ही होता है। हम देखते हैं कि लोगों के बीच में हर तरफ अत्याचार, मार काट, हत्या, हर प्रकार के विद्रोह ये दुनिया में चलते आए हैं। लोग हिंसा के द्वारा एक दूसरे पर विजय पाना चाहते हैं, परंतु ये संभव नहीं है। इस दुनिया में महान विद्वानों ने, व्यक्तियों ने, विशेष तौर पर
अहिंसा का मार्ग अपनाने के लिए सभी लोगों को आमंत्रित किया। और प्रभु यीशु के तो क्या कहने, वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न स्वयं परमेश्वर थे और वो इंसान का रूप लेकर इस दुनिया में आए और उन्होंने प्यार से लोगों को जीतने की कोशिश की, क्षमा सहनशीलता विनम्रता से लोगों को जीतने की कोशिश की। प्रभु यीशु ने शास्त्रियों को जवाब दिया कि देखिए हर पाप क्षमा कर दिया जाएगा, परंतु यदि कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करेगा तो उसे क्षमा नहीं मिलेगी। मनुष्य चाहे जो भी पाप करे या ईश निंदा करे, उन्हें सबकी क्षमा मिल जाएगी, जैसा कि आपका आज का वचन कहता है, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी, वह अनंत पाप का भागी बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रिय जनों, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है, वो ईश्वरीय सत्य को पहचानने में हमारी सहायता करता है, वो हमें दिशा निर्देश देता है, वह ईश्वरीय सत्य को मानव के हित के लिए प्रकट करता है, वह मानव को समर्थ तथा योग्य बनाता है कि मानव अपने जीवन में उस सत्य को महसूस करे। जब वह उसे देखता या सुनता है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब पवित्र आत्मा मानव में प्रवेश करता है, तब पवित्र आत्मा उसे ईश्वरीय सत्य को मानव के अपने जीवन में स्वीकार करने में सहायता करता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध की गई निंदा और पाप क्षमा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ईश्वरीय रहस्यों को मानवीय जीवन में प्रकट करता है। यह पवित्र आत्मा ही है, बाइबल हमें बताती है, जो हमारी अस्पष्ट आहों को समझता है और उन्हें पिता को समर्पित करता है और हमारी ओर से आहें भरकर प्रार्थना करता है। तो मानव जानबूझकर उस सत्य को यदि अस्वीकार या इनकार करता है, जैसे कि हम सब अपनी इंद्रियों का उपयोग नहीं करते, यदि इंसान को मालूम है कि सत्य क्या है और इसके बावजूद वह उसका पालन नहीं करता है, तो वह प्यारे भाइयों और बहनों अपने लिए ही पाप और दंड कमाता है। तो जब हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को अस्वीकार करते हैं, तब उस ईश्वरीय सत्य को पहचानने, एहसास करने एवं महसूस करने में हम असमर्थ हो जाते हैं। तो इस मनोस्थिति में हमें बुराई भलाई के रूप में और भलाई बुराई के रूप में नजर आने लगती है, जैसा कि शास्त्रियों फरीजियों के जीवन में था। वे ईश्वरीय सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। पुरानी व्यवस्था में की गई भविष्यवाणियां जो कि यीशु मसीह में पूरी हो रही थी, वह उसे स्वीकार करने में असमर्थ थे। यीशु के कामों को देखते हुए भी वह उनके चमत्कारों को समझ नहीं पा रहे थे और यीशु को स्वीकार करने में असमर्थ थे। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें हर भलाई बुराई ही लगती थी, हर भलाई उन्हें बुराई ही लगती थी। तो ईश्वरीय सत्य को असत्य और हम ईश्वरीय शक्ति को शैतान की शक्ति के रूप में मानने लगते हैं, जब हम ईश्वर को अस्वीकार करते हैं। जब हम भजन संहिता जो हमें दी गई है, जो संहिता हमें दी गई, जो ईश्वरीय वचन हमें दिया गया, जब हम उसे अस्वीकार करते हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का सत्य हमें असत्य लगने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे संदर्भ में यह मनोभावना मानव में हठधर्मी बन जाती है, अपने जीवन में दुराचार वह दूर नहीं कर सकता है,
वो बदलाव नहीं ला सकता है, पश्चाताप या परिताप नहीं कर पाता है, वो शरीरधारी यीशु के प्रेम को अस्वीकार करता है। यही पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया हुआ पाप है। इसलिए शास्त्रीगण ईश्वरीय सत्य व शक्ति को जानते पहचानते हुए भी उन्हें ठुकराते थे, और प्रभु ने उनसे कहा कि हर पाप क्षमा कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि ईश निंदा भी क्षमा की जा सकती है, परंतु आत्मा के विरुद्ध किया गया पाप क्षमा नहीं किया जा सकता। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने इस दुनिया में आकर लोगों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, अर्धांग रोगियों को शुद्ध किया, अपदूतों को उन्होंने निकाला, लोगों को आजाद किया, पाप की दास्ता से, गुलामी की दास्ता से उन्हें आजाद किया। आज वो हम सभी लोगों को भी इन तमाम बुराइयों से आजाद करे, पवित्र आत्मा हम पर अधिकार ले और हम प्रभु के वचन को समझ सकें, हम वचनों को पढ़ें और उसके अनुसार जीवन बिताने की हम कोशिश करें। आइए हम आज इस विशेष कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के सामर्थ से हम सबको भर दीजिए, तेरा आत्मा हम पर अधिकार ले, हमारे जीवन में तेरी महिमा सदा होती रहे। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है, मैंने शैतान को स्वर्ग से गिरते हुए देखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। हे प्रभु यीशु, इस वचन को हम स्वीकार करते हैं। आप मुक्तिदाता, चंगाई दाता प्रभु हैं, आपके वचन के द्वारा आज हमारे जीवन में और तेरे इन बच्चों के जीवन में जो इस वचन को सुन रहे हैं, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, तेरा सत्य का आत्मा इन्हें प्रेरणा प्रदान करे और इनके जीवन में सदा तेरी महिमा होती रहे। हे प्रभु, ये सत्य को जान जाएं और सत्य इन्हें स्वतंत्र कर दे, हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता, जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।